दीपावली पर्व पर लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को अपर नगर मजिस्ट्रेट अंशुमान सिंह के नेतृत्व में खाद्य प्रशासन एवं औषधि विभाग की टीम ने बख्शीपुर स्थित एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी की और खाद्य पदार्थों के सैंपल एकत्र कर उसे लैब में जाँच के लिए भेज दिया, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट अंशुमान सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व पर लोगों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर रेस्टोरेंट व होटलों पर खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है और नमूने लेकर उसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की मिलावट पाई जाएगी तो उस प्रतिष्ठान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट अंशुमान सिंह ने कहा, मतलब जैसे नहीं वो प्रिजर्व कर दिया था उस मसाला के वही स्पेसिमेन पे कुछ न कुछ पास होगा आवाज है ठीक हो जाएगा पर वो भाई नहीं है मान लीजिए 14 दिन का समय दे दीजिए वो उसका पेपर करवा देता हूँ। कौन कहा था? अरे वही ढाबा है कि लोग आएंगे बाहर के भी लोग अधिकारी बनते विभाग के ना, ये सब तो डी एम साहब का भी रहा कि इसमें नहीं सभी का हो रहा भाई भाई डी एम साहब का सब निर्देश है, जितने भी रेस्टोरेंट और मिठाई होटल हैं सब का भी आएंगे तो भाई जाने से वी आई पी जाएंगे काफ़ी सारा मिल जाता है। इसका पीछे साइड वाला कहाँ मैनेजर साहब, इसका मैनेजर हमको दीजिए। मिठाई और इसका बेकरी और इसका लेकिन रेस्टोरेंट का तो नहीं है, रेस्टोरेंट का है ये जो चिपकाए रेस्टोरेंट कैटेगरी में अंदर की जन नोट करते जाइए सर, जो जो बताएं यहाँ के इंस्पेक्टर साहब कौन है, यहाँ के कौन है? नथु जी हैं। इनका पूरा मॉडिफिकेशन में जाएगा। अच्छा अच्छा, इनका पार्टनरशिप डेट लगना है, फॉर्म 9 लगना है, पानी की जांच लगनी है। अच्छा, और लगना है मॉडिफिकेशन में रेस्टोरेंट कैटेगरी में इनको आना है। ठीक ठीक सर, ये आप करवा लीजिएगा, इनको एक नोटिस दे दीजिए, इम्प्रूवमेंट नोटिस ही दे दीजिए। जिलाधिकारी महोदय जी के निर्देश पे आगामी त्यौहार को देखते हुए शहर में जो भी रेस्टोरेंट हैं जैसे मिठाई की दुकानें हैं उसमें खाद्य और पेय पदार्थों की गुणवत्ता और यहाँ के रेस्टोरेंट के जैसे हाइजीन और स्वच्छता के लिए हम लोग एक ये जाँच कर रहे हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया देखने पर लगता है कि कुछ कमियाँ हैं सर्टिफिकेट्स को लेके, जो सर्टिफिकेट हेल्थ के होने चाहिए या पेस्ट कंट्रोल के, तो इसके लिए हम अभी जब रिपोर्ट आएगी जो सैंपल्स जा रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम आम जनता से ये अपील करते हैं कि उन्हें जहां भी खाद्य या पेय पदार्थों में मिलावट का कोई भी अंदेशा दिखता है तो हमें या फिर खाद्य विभाग को जरूर सूचित करें। अभी जैसे यहाँ पे पनीर के सैंपल, जो कलर्ड राइस है उन सब के सैंपल, और जो अंदर हम देखेंगे तो जो डस्टबिन में खाने का वो रख रखाव ठीक नहीं है, कुछ एक्सपायर्ड चीज़ें भी वहाँ पे रखी हुई हैं, खाद्य और अखाद्य पदार्थ एक साथ रखे हुए हैं, तो जो भी अनियमितता है उसकी कार्यवाही नियमानुसार। लाइसेंस का है, जैसे पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए टाइम टाइम से, और यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना, उसका सर्टिफिकेट नहीं है। पानी जिससे वो खाना बनता है उसकी यानी वीएल के थ्रू जो क्रेडिटेड लैब्स हैं जांच होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। अभी ये चल ही रहा है, अभी काउंटिंग तो जो फूड डिपार्टमेंट है इसमें बता पाएगा, लेकिन हाँ हर संभव जितने भी जगह हैं हम लोग वहाँ पे एक दस्ता जाएगा और उसको चेक करेगा। ठीक है।